मन में आया कि दसवीं पास कर रहा हूँ भी कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता, आदमी कुछ पढ़ना लिखना भी चाहिए। तो मैं उन्होंने दिन पार्टीशन बन गया सी, ते प्राइवेट स्कूल बहुत होंगे सके। मैं पहला वो एफ ए की, उस तो बाद बी ए करन दे लई प्राइवेट ज्ञानी करनी पैंदी सी। ते ज्ञानी दा ते मैं करोल बाग रहिंदा सी दिल्ली, ते करोल बाग जिहड़ा सी जिन्ने भी साहित्यकार लाहौर तो आए उहदे विच 90% करोल बाग रहिंदे सी। ते उत्थे ही ज्ञानी दा स्कूल खोलिया, जिन्होंने ज्ञानी दा कॉलेज खोलिया वो उन्हें विच दो बहुत अच्छे साहित्यकार सी, एक सीगे नाटककार हरचरण सिंह, दूसरे उन्हां दा उस वेले नाम से प्यारा सिंह पौर। उस तो बाद उन्होंने बदल के ते लुधियाने विच प्रोफेसर बने, तो उन्हें नाम अपना परमिंदर सिंह रख लिया। वो भी पहले कहानियां लिखते सी, नावल भी एक दो लिखे उन्होंने, हरचरण सिंह नाटक करते सी। एकदम साहित्य नाल मेरा जुड़े, ज्ञानी तो है ही साहित्य, तो इधरों साहित्यकार, तो कभी कभी वो अच्छे अच्छे राइटर सुजान सिंह संत संत सिंह सेखों बुलाते साढ़े सन्मुख लिया के, तो गलां बातें होंदियां सी। इदां फिर साहित्य विच सोचा चलो असीं भी कहानियां लिखते हैं। सब तो पहली किताब मेरी 62 च आ गई सी, इंग्लैंड जाने तो बाद, एकदम बाद आने तो बाद 62 आ गई सी। ते उस तो बाद दूसरी किताब जिहड़ी है वो जाके 83 च आती है, तीसरी किताब उस तो भी 15 साल बाद आती है। ते हुण तुसीं अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे इन्ने कुछ इंटरस्ट सीगे, ते उन्हां दे विचकार मैं यही कुछ करता रहा, ट्रैवल करता रहा, ट्रैकिंग करता रहा। ते फैमिली दियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां सीगियां वो बहुत ज़्यादा सी, ये भी नहीं कि मैं कला सी ते मौज करदा सी। यानी कि मेरे पिता जी यानी उस हिसाब के नाल हर एक दा बाप जिहड़ा है ना कुछ छड्ड के जांदा है, कम से कम साइकिल तो छड्ड के जांदा है ना, जे जमीन नहीं छड्डदा मकान नहीं छड्डदा कुछ तो छड्ड के जांदा है। साढ़े फादर ने कुछ नहीं छड्ड के गए, ये साढ़े लिए नियामत रही एक तरीके दे नाल कि साढ़े पांच भरावां विच कदी भी लड़ाई नहीं हुई, नहीं तो कहना सी ए मेरा हिस्सा ए मेरा हिस्सा। सो दसवीं करन तो बाद ही कमान की चिंता जड़ी है ना, और भाई पांच भरा सीगे तो तीन भैणा सीगियां, जिहड़े दो भरा सी उहनां दा विआह हो गया, वह अलग हो गए, दो छोटे सी, दो छोटियां दी जिम्मेवारी, एक दा विआह हो चुका किसी औरत लड़की दा, दो भैणां दी जिम्मेवारी उन्होंने पढ़ाना, इन्हां दा सारे ने पढ़ाना, विआह करने सारा कुछ करना। ये मैं बहुत उलझे भी रहे, तो सोचा भी जो इस वेले कम से कम उम्र की ताकत है ना, उम्र की ताकत जिहड़ी हुंदी है वह तो हैगी है, लिखना की है बाद विच लिख लांगे। हुण पहला असीं ऐ कर लईए, मतलब ट्रैवलिंग कर लईए, वह जारी रहा, ट्रैकिंग कर लईए वह कर ले करते रहे, भी लिखन का की है बाद च लिख लांगे। सो इस करके मैं स्टडी करता रहा, जरूर पढ़ता रहा, तो लिखना जोड़ा वो काफ़ी देर बाद सीरीयसली शुरू किया। मैं यही सोचा कि मैं कुछ इदा दहानियाँ लिखनिया चाहिए जेडे काल बेशक कोई भी हो, लेकिन वह जो बैकग्राउंड हो, बेस हो, कुछ तुलक हो, वह पंजाब नाल हो, तो वह मैं कहानियाँ लिखिया। सारिया कहानियां जड़िया आजाद सुंदरी दियाँ है, वोदा बेस जरा कथानिक है, स्थान जरा वो सारा पंजाब ही है। हूँ जैसे जलंधर है, जलंधर के महात्मा बुद्ध टाइम के चार वे वे बौद्ध होंगे सके, मोनेस्ट्रियां होंदिया सी, इतने वे वे विद्वान आके पढ़ते सी। सियालकोट बहुत व्डा गढ़ सी,
ਟਕਸ਼ਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ 83 'ਚ ਆਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ। ਹੁਣ 5 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, 4 ਨਾਵਲ, 4-5 ਟ੍ਰੈਵਲੋਗ, ਰਾਤ ਆਸਨ ਸਮਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ।